मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामकरण थालोड इज हियर। अपन ने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उसके पाथ पर, उसके वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। तो नेक्स्ट अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम ए सरफेस। किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फ्लो होती हैं उनको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डी फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस, डी एस की जगह डी ए भी यूज कर सकते हैं, डॉट को उठा करके अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं कॉस थीटा। सरफेस है उसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस के एग्जाम्पल हैं जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया ये। क्लोज सरफेस के एग्जाम्पल हैं क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया ये। यहाँ पर ओपन सरफेस के लिए इसका सिंपल इंटीग्रेशन है और क्लोज सरफेस के लिए इसका क्लोज इंटीग्रेशन है। फाई है वो कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, ये इसकी यूनिट्स होगी। आउटवर्ड फ्लक्स है, किसी भी सरफेस से जो आउटवर्ड फ्लक्स है उसको पॉजिटिव कैलकुलेट में लेना है, और इनवर्ड जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेशन में नेगेटिव लेना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है थीटा, बहुत जगह कन्फ्यूज करेगा थीटा की वैल्यू क्या यूज करनी है। तो थीटा किन के बीच में एंगल है, वेक्टर ही एंड नॉर्मल ऑफ सरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है, तो यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, बहुत सारे बताएंगे ये सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है तो थीटा हुआ जीरो। नहीं, ये नॉर्मल के साथ एंगल है तो नॉर्मल हुआ ये, इस सरफेस का ये नॉर्मल हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल के साथ एंगल हुआ ये 90। तो जब पैरेलल वर्ड लिखा होगा तो एंगल आएगा 90, जब परपेंडिकुलर लिखा होगा तब एंगल आएगा जीरो। तो यहां पर इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड प्लेन इज फाइव, प्लेन का वेक्टर ई के साथ एंगल गिवन है, तो अब अपन को थीटा इक्वल्स टू यूज लेना है 90 माइनस 5। जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा कि ए इक्वल्स टू 20 मीटर स्क्वायर की कोई एक स्क्वायर सरफेस है और वो पैरेलल है किसके, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 वोल्ट पर मीटर, देन फाई इक्वल्स टू कितना होगा। तो यहां पर फाई इक्वल्स टू आ गया ई ए कोस थीटा, तो फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 20, थीटा पैरेलल, पैरेलल को सुनते हैं अपन थीटा कितना यूज करते हैं, जीरो। बट यहां ध्यान रखिए सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो नॉर्मल के साथ एंगल हुआ 90 और कोस 90 हो गया जीरो, तो फाई इक्वल्स वैल्यू आ गई जीरो। क्लियर सबको, एंगल पर ध्यान देना है, आगे भी यूज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी यूज आएगा। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें भी टो इक्वल्स टू एम क्रॉस बी वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें भी ये यूज आएगा, बहुत सी जगह, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट अपना पॉइंट है गाउस लॉ, तो गाउस लॉ भी किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो ये वैल्यू देता है अपन को ओनली और ओनली किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो सबसे पहले गाउस लॉ की कंडीशन अपन पढ़ेंगे, ये इसकी कंडीशन है, अप्लाई ओनली फॉर क्लोज सरफेस, ओनली और ओनली ये क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होता है। तो टोटल इमर्जेस फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस फाई इक्वल्स टू एलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम,
यहाँ से फाई की वैल्यू क्लोज सरफेस के लिए अपन ने पढ़ी अभी, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए समेशन और ये इंटीग्रेशन दोनों ही एडिशन के लिए यूज हुए, जब दोनों का वर्क एक ही है तो अपन ने ये दो सिंबल क्यों यूज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है और नई टीचर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब दोनों का वर्क है एडिशन तो अपन ने दो सिंबल क्यों यूज लिए, तो ये आता है कंटिन्यूस क्वांटिटी के लिए और ये आता है डिस्क्रीट क्वांटिटी के लिए। ये कंटिन्यूस क्वांटिटी के लिए यूज होता है और ये डिस्क्रीट क्वांटिटी के लिए। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसमें अपन पढ़ते हैं कि चार्ज एक डिस्क्रीट क्वांटिटी है, ये ओनली क्वांटा की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से यहाँ पर इसका अपन ने समेशन के लिए सिग्मा यूज किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर गॉस लॉ वो कौन से, देखो पहला पॉइंट है कि जो इमर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, शेप एंड साइज ऑफ क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस की शेप और साइज होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटर चार्ज, जो भी चार्ज क्लोज सरफेस के आउटसाइड में है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर ओनली और ओनली Q1, Q2 और Q3 चार्ज ही कंसिडर होंगे, Q4 कंसिडर नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये Q4 इलेक्ट्रिक फील्ड की जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें कंसिडर होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इमर्ज होगा उसमें इसका कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। नेक्स्ट, यदि इस क्लोज सरफेस में अपन डाइपोल रख दें ऐसे तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इमर्ज इस सरफेस से वो कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने कोई क्लोज सरफेस रख दी है तो इस सरफेस से जो इमर्ज फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। व्हेन एन क्लोज चार्ज फ्रॉम दिस सरफेस इज जीरो, यदि इस सरफेस से जो बाउंडेड चार्ज है वो जीरो है तो फ्लक्स जो लीकेज होगा इस सरफेस से वो कितना होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट, यहां चार्ज की जगह फोर्थ पॉइंट है, आप चार्ज वर्ड नहीं यूज लेकर के नेट चार्ज ही यूज लेंगे, समेशन क्यों इक्वल्स टू जीरो, जो भी उसकी वैल्यू होती है जीरो नॉन जीरो, समेशन क्यों ही यूज लेंगे, समेशन क्यों यूज ले जाएगा नहीं कि क्यों। देखिए स्टूडेंट्स, आपका इंतजार हुआ खत्म। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है कि कब सर ट्रिक बताएं, बस आपकी ट्रिक आपके सामने है। तो देखिए 10-12 क्वेश्चन केवल एक छोटी सी ट्रिक से चुटके में होने वाले हैं, जिनको बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं और बार बार याद करने पर भी भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो देखो, पोजिशन ऑफ चार्ज, एक चार्ज है स्मॉल क्यों, उसको किस किस कंडीशन में अपन ने रखा है, तो एट सेंटर ऑफ क्यूब पहली कंडीशन है, दूसरा एट सेंटर ऑफ फेस, जो क्यूब होगा उसके फेस के सेंटर पर रखा है, थर्ड कंडीशन है एट मिड पॉइंट ऑफ साइड, जो उसकी साइड है उसके मिड पॉइंट पर रखा है, फोर्थ कंडीशन है कॉर्नर।
आपको एक छोटा सा काम करना है, इनकी सीक्वेंस याद रखनी है, सेंटर ऑफ क्यूब, फेस, साइड, कॉर्नर, बस ये पोजीशन इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट आपको ये चीज रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ क्यूब, फेस का सेंटर, साइड, कॉर्नर, बस इसको चार्ज को क्लोज करने के लिए, क्योंकि गॉस लॉ की कंडीशन है कि वो क्लोज सरफेस में अप्लाई होगा, तो उसको क्लोज करने के लिए अपन को रिक्वायर्ड है फर्स्ट में ओनली वन क्यूब की, सेकंड में टू, इसका जस्ट डबल। बस स्टूडेंट्स आए मजा, बस सीक्वेंस से आपको कितना इजी हो गया। नेक्स्ट, इमर्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गिवन क्यूब, एक क्यूब से कितना फ्लक्स इमर्ज होगा। यहां पर जो टोटल मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इमर्ज लिखा है, एक क्यूब से कितना होगा, तो यहां पर वन क्यूब है तो वन क्यूब से ये हुआ, टू क्यूब से इतना है तो वन से, तो टू से डिवाइड, फोर क्यूब से इमर्ज फ्लक्स ये है तो वन से, फोर से डिवाइड, टोटल एट क्यूब से इमर्ज ये है तो वन से, इससे डिवाइड। वन क्यूब में सिक्स फेस होते हैं तो वन फेस से इमर्ज कितना हुआ, सिक्स से डिवाइड। ट्रिक जो है वो ये जो डाटाज हैं वो याद नहीं रहते हैं, कैलकुलेशन से भी बहुत बार समझ नहीं आते, लेकिन अपने लिए देखिए ट्रिक से कैसे होता है। तो ट्रिक क्या कहती है, लेस वन एंड डिवाइड बाय इट्स डबल वैल्यू, जो यहां पर सिक्स लिखा है उसमें से वन लेस करो, जो यहां वन लिखा हुआ है ना वो लेस करो, वन लेस करो तो फाइव, फाइव का जस्ट डबल कर दो टेन। नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, टू, तो टू लेस करो, एट, एट का जस्ट डबल कर दो सिक्सटीन। कितना लिखा हुआ है, फोर, तो फोर लेस करो, ट्वेल्व, ट्वेल्व का जस्ट डबल करो, बस हो गया अपना काम। तो ये वैल्यूज आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये सारे क्वेश्चंस फोर ये एट क्वेश्चन एक छोटी सी ट्रिक से हो गए। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कपल ऑफ टू चार्जेस जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज सेम, नेचर ऑफ चार्जेस इज अपोजिट, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस इज वेरी स्मॉल, दोनों चार्ज एक दूसरे के नियर होंगे, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस है टू ए। तो डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, तो टू ए क्यू, वैक्टर फॉर्म में इसको आर कैप से मल्टीपल कर दिया, आर कैप क्या है, यूनिट वैक्टर जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो ये जो डायरेक्शन वैक्टर आर कैप सॉरी आर कैप की होगी वही वैक्टर पी की, तो पी इस डायरेक्शन में होगा ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, जो पी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट हुई कूलाम इनटू मीटर, और डायमेंशनली फॉर्मूला हो गया ए वन टी वन चार्ज के लिए आ गया और मीटर के लिए आ गया एल वन। छोटा सा यहाँ ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में बहुत बार कन्फ्यूजन कर देते हैं, जिसे लिखा हुआ है 20 cm, तो सी और एम दोनों स्मॉल हैं तो इसको सेमी पढ़ाइएगा सेंटीमीटर, और ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग सी कैपिटल एम स्मॉल, तो वो कूलाम इनटू मीटर होगा, तो ध्यान दें यहाँ पर इसको, वरना न्यूमेरिकल आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट छोटा सा डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन, मान लीजिएगा ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है एल, और यहाँ पर माइनस टू क्यों चार्ज है, यहाँ पर क्यों और क्यों चार्ज है, तो इसका जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो क्या होगा, इस माइनस टू क्यों चार्ज को अपन ब्रेक कर देंगे माइनस क्यों और माइनस क्यों में, माइनस टू क्यों हो गया, ये एक डायपोल बन गया ये वाला ए बी,
और एक डायपोल बन गया AC, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, इसको P1 अज्यूम कर लो, तो इसकी साइड है L है, तो P1 इक्वल्स हुआ Q इंटू L, माइनस क्यों प्लस क्यों, तो इधर दूसरा डायपोल हो गया, तो ये हो गया P2, माइनस Q2 प्लस Q2, इसकी डायरेक्शन हो गई और इसकी वैल्यू आ गई Q इंटू L। पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों का सम करेंगे तो वो ये आएगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल वो हो गया 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और इसकी वैल्यू आएगी P इक्वल्स टू बोले P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, फिर यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P0 अज्यूम कर लें, और ये वैल्यू आएगी QL, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो Q इक्वल्स टू देखिए P इक्वल्स टू देखिए P0 स्क्वायर प्लस P0 स्क्वायर प्लस 2 P0 स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स टू है 60 को 60 हुआ हाफ, तो P इक्वल्स टू हुआ ये आ गया P0 रूट 3, P0 की वैल्यू पुट कर दें Q इंटू L, तो ये आ गया QL रूट 3, इसकी यूनिट होती है कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट, व्हेन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क ऑन डायपोल, टो इक्वल्स होता है पी क्रॉस ई, टो इक्वल्स टू क्रॉस को यहां से हटा करके अपन ने साइन थीटा यूज कर लिया है। अब इसके अलग अलग कंडीशंस अपन ने ली हैं कि थीटा है वो जीरो डिग्री हो तो क्या वैल्यू होगी, तो साइन की वैल्यू जीरो पुट कर दें, तो साइन जीरो बोलिए कितना हुआ जीरो, तो टो की वैल्यू जीरो आ गई, साइन 90 मैक्सिमम होता है तो टो मैक्सिमम हो गया, बोलो कितना हुआ पी हो गया, साइन 180 जीरो होता है तो ये टो की वैल्यू जीरो आ गई। वर्क डन टू रोटेट डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रोटेट किया है तो उसमें कितना वर्क डन होगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ये वैल्यू आती है जब इससे डेरिवेशन करते हैं। इसके लिए भी मैं बता देता हूँ ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होता है W इक्वल्स टू टो डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू ये वैल्यू पुट करते हैं, पूरा डेरिवेशन करते हैं तो ये वैल्यू आती है, बट जनरली थीटा वन है वो जीरो डिग्री पुट कर दें और थीटा टू को थीटा पुट कर दो तो कोस जीरो वन, ये थीटा टू है उसकी जगह थीटा आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये मोस्टली यूज होगा। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करें तो कोस थीटा जीरो पुट करो तो वन माइनस वन जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो, 90 पुट करो तो डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई आ गया, 180 पुट करो तो ये 182 हो गया, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू टू पी ई आ गया। नेक्स्ट अपना पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो ये फॉर्मूला है, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ये डाटाज पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या डाटा पुट करने हैं आपको, थीटा वन पुट करना है 90 और थीटा टू की वैल्यू पुट करनी है कितनी थीटा, तो इसमें पुट करो थीटा वन की वैल्यू 90 पुट करो तो कोस 90 जीरो, थीटा टू की वैल्यू पुट करो थीटा तो कोस थीटा हो गया, ये जीरो रिमूव हो गया तो यू इक्वल्स आ गया माइनस पी कोस थीटा। इस कोस थीटा को अपन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज यहां पर पुट कर दें तो कोस थीटा बोलो जीरो, कोस जीरो वन, तो यू इक्वल्स आया माइनस का पी, यहाँ पर थीटा 90 तो कोस 90 जीरो तो जीरो, यहाँ पर 180 तो ये प्लस हो गया तो यू इक्वल्स टू प्लस पी ई, ये वैल्यू आ गई मैक्सिमम और ये वैल्यू आ गई मिनिमम। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है पूरी फिजिक्स का जो बहुत सारी जगह यूज होगा, मैकेनिक्स में भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, मैग्नेटिज्म में भी आएगा और एटम में भी आएगा, सब जगह यूज होता है। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव में होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ध्यान दें एनर्जी नेगेटिव में उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, मोर स्टेबल, तो नेगेटिव है इसकी
एनर्जी, तो ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हुआ नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस कंडीशन को अपन कैसे समझें डायग्राम से? एक बाउल है, उसके अंदर एक बॉल रखी है, उसको किधर भी डिस्प्लेस करने पर ये एटलीस्ट यहीं आएगी। तो ये वाला स्टेबल कंडीशन, एटलीस्ट यहीं आना है इसको। इसको यदि अपन को उल्टा करके इसको रख दें तो ये बॉल अब टेम्पररी यहाँ है, बट डिस्प्लेस कर देने पर किसी भी कंडीशन में यहाँ नहीं आएगी, तो ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, यहां पर अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया वो लिया यूनिफॉर्म। यदि इसकी जगह अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है एयरफोर्स में कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म यूज लेते हैं तो डाइपोल पर क्या एक्सपीरियंस होता है और नॉन यूनिफॉर्म में क्या? तो डाइपोल एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें बोथ फोर्स भी एंड टॉर्क, दैट मीन्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और टॉर्क दोनों एक्सपीरियंस करेगा, दैट मीन्स यहां समेशन एफ नॉट इक्वल टू जीरो और समेशन टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। यहां क्या होगा? समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो और टो नॉट इक्वल टू जीरो यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में ये यूज होगा। अब अपन एक कंडीशन पढ़ते हैं न्यूट्रल पॉइंट की, कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले डेफिनेशन, न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है? ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ध्यान दें, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा। तो इसको याद रखने का तरीका है, वेयर फील्ड इज जीरो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। सबकी कॉमन डेफिनेशन है, जहां फील्ड जीरो होगा उसी को अपन न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। तो न्यूट्रल पॉइंट, इसमें दो कंडीशन है, फॉर लाइक चार्ज, ये अपने पास दो इस प्रकार से लाइक चार्ज है Q1 और Q2, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, न्यूट्रल पॉइंट से Q1 की डिस्टेंस x1 और x2 की डिस्टेंस, सॉरी Q2 की डिस्टेंस x2। यहां पर अपन को x1 और x2 कैलकुलेट करना होता है। तो देखो, कॉमन चीजें जो मैंने पहले लिख दी, ये इतना कॉमन आएगा, रूट तो इसमें भी रूट, प्लस वन रूट से बाहर है प्लस वन। अब देखो, फिर वही स्टूडेंट्स को इतने देर बाद में फिर इंतजार हो जाता है कि कोई ट्रिक नहीं आई, तो फिर अपनी ट्रिक आ रही है। न्यूट्रल पॉइंट को इजी वे में कैसे कैलकुलेट करें विदाउट पेन यूज किए, सेकंड ऑफ ऐसे ट्रिक से हो जाएगा सारा। देखो, जब भी आपकी किसी से दुश्मनी होती है तो उसको आप नीचे पटकना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। उसी प्रकार से जिस चार्ज से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है उसको नीचे पटक दें। कहाँ पटक दें? नीचे। डिस्टेंस को हिंदी में पढ़ लें दूरी, दूरी दुश्मनी, जिससे दुश्मनी निकालनी होती है उसको कहाँ पटकते हो? नीचे। उसी प्रकार जिससे दूरी कैलकुलेट करनी है उसको कहाँ पटक दो? नीचे।
तो अपन को Q1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो Q1 यहाँ, तो यहाँ कौन है Q2, यहाँ पर ये डिस्टेंस किससे है Q2 से, तो Q2 यहाँ, तो ये Q1। सेकंड कंडीशन क्या है, फोर अनलाइक चार्ज, ये Q1 हुआ और ये Q2 हुआ, ये इनके बीच की डिस्टेंस है x, इनमें जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग होगा, दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बाहर लाइक चार्ज में बीच में होगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट होगा यहाँ, तो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितनी अज्यूम कर लो l, तो आपको डिस्टेंस ओनली l ही कैलकुलेट करनी है जो कि Q1 से, यदि Q2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो उसमें x ऐड कर दें, तो l इक्वल्स टू x अपॉन रूट, किससे डिस्टेंस है Q1 से, तो Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, और -1 यहाँ प्लस होएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस। देखिए ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज नियरर टू स्मॉल चार्ज। अब ये पॉइंट ऐसे समझ में नहीं आएगा तो इसको मैं क्वेश्चन से बताता हूं। जैसे अपने पास ये दो चार्ज हैं ए और बी, ये 10 माइक्रो कूलम है और ये 90 माइक्रो कूलम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, तो पॉइंट ए से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, पॉइंट ए से पूछ रहे हैं, तो कहीं भी न्यूट्रल पॉइंट अज्यूम कर लें, ये डिस्टेंस एक्स वन, तो एक्स वन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस 80 रूट, किससे पूछ रहा है 10 से, तो 10 को यहां रखो, दूसरा है 90 माइक्रो कूलम, ये हो गया प्लस 1, तो एक्स वन इक्वल्स टू 80 अपॉन ये आ गया 9 का रूट 3 प्लस 1 4, तो ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इस न्यूट्रल पॉइंट की स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस है 20 और इससे होगी 60, तो किसके नियरर हुआ स्मॉल चार्ज के, ऐसे अपन न्यूट्रल पॉइंट इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।